Hello everyone, in this session we'll be talking about previous questions of Master Cadre Physics. Let's discuss these questions one by one. For a blue light, the transparent. Material has a relative permittivity, यानी कि dielectric constant की value given. And relative permeability that is 1. Relative permittivity की value हमारे पास कितनी है 2.1. Relative permeability की value कितनी है? Speed of light in vacuum is c. The phase velocity of light, light in an unbounded medium of this material. अब हमें velocity निकालनी है medium 1 upon under root mu m epsilon m. हमारे पास ये formula होता है. अब हमारे पास तो relative permittivity और relative परमिटिविटी और रिलेटिव परमिबिलिटी गिवन है. हमें मीडियम की वैल्यू चाहिए. एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है? एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट. और जो रिलेटिव परमिबिलिटी है दैट इज म्यू एम बाई, यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ गई? एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. और म्यू मीडियम की वैल्यू क्या आ गई? म्यू नॉट इन टू. ये वैल्यू इस फॉर्मूले में फिल कर देते वन अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन आर म्यू आर एप्सिलॉन नॉट म्यू. अब ये जो रिलेशन होता है स्पीड का, हमें ये पता है फ्री स्पेस में स्पीड कितनी होती है, सी इज इक्वल टू वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो ये रेशो को हम लिख सकते हैं सी. तो वी किसके इक्वल आ गया? सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर. तो अब हम इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं. वी की वैल्यू क्या मिली हमें? सी अंडर रूट म्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1. और एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है? 2. तो ये हमारे पास रिलेशन क्या आ गया? E by square root of 2.1. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. अ चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन द रीजन वेयर देयर इज ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक. तो यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है, इस रीजन में जहाँ पे हमने क्या अप्लाई की है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया कांस्टेंट और एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. द टू फील्ड्स आर पैरेलल टू ईच अदर द पाथ ऑफ पार्टिकल. तो दोनों फील्ड्स पैरेलल है. मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस तरफ है क्योंकि दोनों फील्ड्स पैरेलल है. अब यहाँ पे चार्ज जो है इस रीजन में पड़ा है, ऑब्वियस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से फोर्स लगेगी. वो फोर्स क्या कितनी लगेगी हमारे पास? एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इन टू ई वैक्टर. ये फोर्स चार्ज पे लगेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये किस डायरेक्शन में लगेगी? देखो एफ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो क्या है, सेम होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी, ठीक है. अब मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इसकी वजह से जो फोर्स है वो किस तरफ लगेगी? क्या होता है फॉर्मूला? बी क्रॉस बी. अब ये पार्टिकल जो है ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि बी की डायरेक्शन भी तो इस तरफ हुई और बी की भी इस तरफ है. तो क्यू वी बी साइन जीरो लिख सकते हैं हम, क्योंकि वेलोसिटी और बी मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है. तो एफ की वैल्यू क्या मिली यहाँ से? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही है. इस पे फोर्स किसकी वजह से लग रही है? जस्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही है, तो पार्टिकल ऐसे आगे की तरफ ही जाएगा, ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसका. तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर. अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज इज मूविंग नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन विच देयर इज ए करंट. तो एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लो कर रहा है और उसके नजदीक नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव, यहाँ पे ले लेते हैं माइनस क्यू चार्ज जो है वो मूव. ए फोर्स विल एक्ट ऑन दिस टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ द मोशन ऑफ द चार्ज इज इन द डायरेक्शन. मान लो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है. अब करंट की डायरेक्शन में इस चार्ज पे फोर्स लग रही है, मान लो ये फोर्स इस तरफ लग रही है. अब हमें बताना है कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल किस तरफ होगा. पहले तो इस पॉइंट पी पे जहाँ पे चार्ज पड़ा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनटू द पेज.
ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। थंब को हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल कर देंगे। फिंगर्स ऐसे कर्ल होगी, तो ये पी पॉइंट क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। मतलब हमारी फिंगर्स पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही है ना, तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज। अब मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, फोर्स इस तरफ है। फोर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, क्यू इनटू बी क्रॉस बी। तो ये फोर्स की डायरेक्शन भी पता है, बी की भी पता है, हमें बी की निकालनी है। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी स्पीड इस तरफ है, ठीक है। तो वी आगे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है। तो जब हम बी क्रॉस बी करेंगे तो थंब जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो यानी कि फोर्स ऊपर की तरफ तो लग रही है। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी बन गया। क्यों? क्योंकि बी आगे की तरफ लिया हमने और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। साइन 90 क्या होता है, 1। अब ये फोर्स तब लगेगी जब हमारे पास चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, देयर इज ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो फोर्स क्या लगेगी, माइनस क्यू इंटू वी बी। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो ये इस तरफ जाता आगे की तरफ, बट ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ। यानी कि ये जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ये किस तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द वायर मूव कर रहा है, तभी ये जो फोर्स है इस पे लगेगी, दैट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लिस्टेड बिलो आर द मैक्सवेल इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इफ द मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट। अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल वुड बी इनकरेक्ट। पहले तो अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर गया तो डेल डॉट बी जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या है, इनकरेक्ट है। ये डेल डॉट बी किसके इक्वल आनी चाहिए फिर, दैट इज म्यू नॉट जे एम रो एम, ठीक है। दूसरी ये कर्ल वाली इक्वेशन जो है ये मॉडिफाइड होगी, ये किसके इक्वल होगी, माइनस कर्ल बी बाय कर्ल टी तो होगी ही, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक करंट डेंसिटी भी ऐड होगी। तो ये जो दो इक्वेशंस हैं ये मॉडिफाइड हो उनको, ठीक है। तो ये दो इक्वेशंस क्या है, इनकरेक्ट है, जब मैग्नेटिक मोनोपोल क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। सो ऑप्शन क्या आएगा, आंसर सी, सेकेंड एंड फोर्थ। अ क्यूब हैज अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ऑन द सर्फेस। हमारे पास क्या है, क्यूब है, ठीक है। इसके सरफेस पे क्या है, कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इफ देयर इज नो चार्जेस इन साइड द क्यूब, अब अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज इन साइड द क्यूब इज जीरो। अगर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या मिलेगी, तो मिलेगी। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां से हमें पता चल गया कि अंदर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी। तो पोटेंशियल हमें क्या बताना है, सेंटर ऑफ क्यूब पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉन्स्टेंट मिलेगी। और वो कितनी वैल्यू मिलेगी, जितनी सर्फेस पे है। तो सर्फेस पे हमारी कितनी वैल्यू है, बी, तो इतनी ही वैल्यू हमें क्या मिलेगी, सेंटर पे भी मिलेगी। तो एट द सेंटर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिली, बी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर एच एक्स फॉर द क्वांटम मैकेनिकल हैमिल्टोनियन इज। तो हमें यहाँ पे एच और एक्स की कम्यूटेटिंग ब्रैकेट निकालनी है, तो वैल्यूज फिल कर देते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m प्लस वी ऑफ एक्स, और ये एक्स के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m की एक्स के साथ प्लस वी की एक्स के साथ, ये तो जीरो हो जाएगी क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2m बाहर लिख लेते हैं, पी स्क्वायर की एक्स के साथ। पी स्क्वायर की एक्स के साथ हमारे पास क्या रिलेशन होता है, 2p, और साथ में आ जाएगा माइनस अटैच कर। क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर हमारे पास a की पावर n b के साथ कम्यूटेटिंग ब्रैकेट निकालनी, तो हम पहले क्या करेंगे, इस a की पावर n का डेरिवेटिव ले लेंगे, n a की पावर n माइनस वन हो जाएगा, और साथ में कम्यूटेटिंग ब्रैकेट हम लेंगे a और b की। तो यही लिखा है हमने, पी स्क्वेयर को हमने ऐसे सॉल्व किया,
तो ये बन गया 2p, और पीछे कम्यूटेटिंग ब्रैकेट हमारे पास किसकी बची, p और x की। तो ये किस इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, माइनस आइटा एच कर, तो वो वैल्यू फिल कर दी। यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या मिला, माइनस आइटा एच कट बाई एम इंटू पी। आइटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये क्या मिला हमें, आइटा स्क्वायर माइनस वन हो गया, तो ये मिला एच कट पी बाई आइटा एम। अब पी बाई एम को हम क्या लिख सकते हैं, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। एक्स डैश लिख दे, अगर एक्स मेरी पोजीशन है तो इसका डेरिवेटिव एक्स डैश ले लेते हैं, वो वेलोसिटी हो जाएगी। तो वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, पी बाई एम के। तो ये पी बाई एम को हम रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटी के साथ, तो एच कट एक्स डैश बाई, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई लेस देन वी नॉट, इट इज इंसिडेंट ऑन द स्टेप पोटेंशियल ऑफ हाइट वी नॉट। तो हमारे पास क्या एक स्टेप पोटेंशियल है, बना लेते हैं डायग्राम। ऐसा होगा स्टेप पोटेंशियल, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, दैट इज वी। अब पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, वी नॉट से कम है, यानी कि अगर एनर्जी लेवल ड्रॉ करना हो तो ये एनर्जी लेवल मिलेगा हमें, एनर्जी लेस देन वी नॉट। लेट के इज दिस एंड के डैश इज दिस, फाइंड द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होता है उसमें उसका हमारे पास क्या रिलेशन होता है, 4 के डैश डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर का होल, ये ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे के डैश आएगा, डी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम आर गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन एंड ए पॉजिटिव कॉन्स्टेंट ए बाय द एक्सप्रेशन। अब हाइड्रोजन एटम की बात की है तो एनर्जी लेवल्स हम कैसे लिखते हैं, क्या होती है एनर्जी इसकी, -13.6 बाय एन स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो है ही एक्सप्रेशन में, अ पॉजिटिव कांस्टेंट ए, तो ये जो पॉजिटिव टर्म है ये 13.6 को हम माइनस ए लिख दें, क्योंकि पॉजिटिव कांस्टेंट बोला है तो 13.6 को ए के साथ रिप्लेस कर दिया, और ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी लेवल्स का एक्सप्रेशन आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The eigenfunction of a rigid dumbbell rotating about its center. Rigid dumbbell है, मतलब एक मॉलिक्यूल यहाँ पे और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल दिया गया है, डायाटॉमिक दिया गया है, जो रिजिड डम्बल की फॉर्म में है, या इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, सेंटर के अबाउट ही ऐसे रोटेट कर रहा है इसके अबाउट, और इसकी डिपेंडेंसी दी गई है, फंक्शन दिया गया है इसका, आइगन फंक्शन दैट इज साई ऑफ फाई इज ए ई की पार आइटा एम फाई, फिर एम इज द क्वांटम नंबर, ए इज द कॉन्स्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ ए इज प्रॉपरली नॉर्मलाइज द आइगन फंक्शन। हमें इसको नॉर्मलाइज करना है, ए की वैल्यू निकाल, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, साई विद साई इज इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है। तो लगा देते हैं कंडीशन, इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी फाई इज इक्वल टू वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई चेंज होगा, आर तो फिक्स है डिस्टेंस, डायटोमिक मॉलिक्यूल ये रिजिड है, ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गया, चेंज क्या हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किस पे आएगी, डी फाई पे, तो साइज स्टार क्या आ जाएगा, ए कम्प्लेक्स ई की पार माइनस आइटा एम फाई, साई की वैल्यू ए ई की पार आइटा एम फाई डी फाई। अब डी फाई की लिमिट्स क्या होंगी, पूरा रोटेट करेगा ना, तो 0 to 2 पाई की लिमिट हो जाएगी डी फाई की, तो ये हमारे पास ए मॉड स्क्वायर बाहर आ गया, 0 to 2 पाई ये 1 बन गया, और डी फाई इज इक्वल टू 1, तो ए मॉड स्क्वायर इट इज 2 पाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू क्या मिली, 1/2 पाई, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साई इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, क्यू इज द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फिजिकल ऑब्जर्वेबल एक्स, द क्वान्टिटी दिस मे बी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन। अब यहाँ पे हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, साई स्टार क्यू साई,
इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम किस में देखते हैं, ये जो है ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर हम इस ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू लिखें तो यही मिलेगी हमें। एवरेज वैल्यू निकालने का, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का फॉर्मूला यही होता है। अभी साई क्या है, नॉर्मलाइज्ड है, अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है ना ये, तो ये नॉर्मलाइज कंडीशन जो है इसके लिए साई ये 1 बन जाएगा। तो हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ क्यू किसके इक्वल आ गई, साई क्यू साई। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या मिलेगा, साई स्टार क्यू साई डी टाउ। हम इसकी जस्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये हमें क्या बता रही है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम क्यू की, तो मीन वैल्यू ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्यू क्या है, ऑपरेटर है, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑब्जर्वेबल एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। यानी कि हम मीन वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, एक्स की निकाल रहे हैं, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेटर दिया हुआ है हमें क्यू, तो ये मीन वैल्यू जो है वो एक्स की निकल रही है। तो ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइगन फंक्शन ऑफ इज एन आइगन फंक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर विद पॉजिटिव आइगन वैल्यू एच कट के, एन आइगन फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स पार्टिकल इज मूविंग इन द फ्री स्पेस इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद ए प्रिसाइज वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंट। अब हमें आइगन फंक्शन निकालना है तो मतलब हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो क्या कैसे लिखते हैं हम, ये मोमेंटम ऑपरेटर वेव फंक्शन पे ऑपरेट करेगा, हमें कुछ आइगन वैल्यू मिलेगी और ये वेव फंक्शन मिलेगा, ये होती है हमारे पास आइगन फंक्शन इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन। और ये साई क्या है, यहाँ पे आइगन फंक्शन। देखो यहाँ पे जिस साई पे ऑपरेट करेंगे हम ऑपरेटर को, वही सेम वेव फंक्शन यहाँ पे मिलना चाहिए, तो इसको बोलते हैं आइगन फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू फिल कर देते हैं और वेव फंक्शन हमें चूज करना है। आइगन वैल्यू उन्होंने दी है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू होनी चाहिए एच कट के इंटू साई। अब हमें ये वेव फंक्शन निकालना है कि जिसकी पॉजिटिव आइगन वैल्यू हो और वो आइगन फंक्शन हो, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ए ऑप्शन चेक करूं तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कॉस के एक्स, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन के एक्स इंटू ए। अब देखो ये वेव फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे तो कॉस एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स मिल रहा है, तो ये तो आइगन फंक्शन ही नहीं है, तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं है, ये हमारा फंक्शन जो है आइगन फंक्शन नहीं बन सकता, साइन भी नहीं बन सकता, साइन का डेरिवेटिव लोगे तो कॉस मिलेगा, सेम आइगन फंक्शन नहीं मिलेगा। अब सी क्यों चेक कर लेते हैं, सी ऑप्शन चेक किया, माइनस आइटा एच कट कर्ल बाय कर्ल एक्स ई की पार माइनस आइटा के एक्स, ये क्या मिला, माइनस आइटा एच कट ई की पार माइनस आइटा के इंटू माइनस आइटा के, माइनस माइनस प्लस हो गया, आइटा स्क्वायर माइनस वन एच कट के ई की पार माइनस आइटा के। अब ये वेव फंक्शन यहाँ पे ये साई था और यहाँ पे सेम वेव फंक्शन मिल, मतलब ये आइगन फंक्शन तो है बट इसकी आइगन वैल्यू देखो नेगेटिव आ रही है माइनस एच कट की, और क्वेश्चन में बोला गया है पॉजिटिव आइगन वैल्यू आनी चाहिए, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। हम इसको इंटीग्रेट सॉल्व करके देख लेते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स ई की पार आइटा के एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, माइनस आइटा एच कट ई की पार आइटा के एक्स का डेरिवेटिव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये आइटा स्क्वायर माइनस वन और एक माइनस ये प्लस हो गया एच कट के ई की पार आइटा के एक्स। अब ये वेव फंक्शन तो सेम मिल रहा है, मतलब आइगन फंक्शन है ये, और पॉजिटिव आइगन वैल्यू भी मिल रही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेव फंक्शन फॉर आइडेंटिकल फर्मियंस इज एंटीसिमेट्रिक अंडर पार्टिकल इंटरचेंज, कि अगर हम पार्टिकल एक्सचेंज कर दें, जैसे हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, हम फर्मियंस की में देख रहे हैं, तो अगर हम पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर दें, यानी कि ये मैंने ऑपरेटर लगा दिया पार्टिकल एक्सचेंज वाला, तो जब ये ऑपरेट करेगा हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ऑफ साई टू वन। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये वेव फंक्शन जब पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं तो यहाँ पे वेव फंक्शन क्या मिलता है, एंटीसिमेट्रिक मिलता है फर्मियंस के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसकी वजह से ये जो है
हमारा वेव फंक्शन जो है वो एंटीसिमेट्रिक आ रहा है अंडर द पार्टिकल एक्सचेंज. कंसीडर द पार्टिकल ऑफ मास एम एट टेम्परेचर टी. इट फॉलोज द क्लासिकल मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स. फाइंड द एवरेज स्पीड. अब हमें पता है कि एवरेज स्पीड जो होती है 3D के केस में कितनी आती है, अंडर रूट 8 KT बाई एम पाई, इतनी ही होती है. तो ऑप्शन सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर. ये हम डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे क्योंकि अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा मेथड लंबा हो जाता है. अगर निकालनी भी है एवरेज वैल्यू तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन वी एफ ऑफ वी डी वी, ठीक है, और नीचे आ जाएगी इंटीग्रेशन एफ ऑफ वी डी वी. ये एफ ऑफ वी क्या है, यहाँ पे ये मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है हमारे पास. स्पीड, स्पीड की बात कर रहे हैं ना, ठीक है. यहाँ पे फिल करेंगे वी और ये हम इस इंटीग्रेशन को जस्ट सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से. ये नॉर्मलाइज होता है तो नीचे वाली टर्म तो वन हो जाएगी. हमने जस्ट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है वी एफ ऑफ वी डी वी. अब ये एफ ऑफ वी हमें पता होना चाहिए तभी तो इंटीग्रेशन होगी. इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एम ओवर 2 पाई KT की पावर 3/2 e की पावर -mv² / 2 KT 4 पाई v² dv. तो ये 4 पाई² तो ये वैल्यू हम यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में फिल करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो इससे बेटर है कि हम ये फॉर्मूलेज जो है वो लर्न रखें, ठीक है. तो एवरेज स्पीड जो होती है वो कैलकुलेट करके हमारे पास कितनी आती है, अंडर रूट 8 KT बाई एम पाई. द आइडियल मोनोटॉमिक गैस है हमारे पास, ठीक है. इट अंडरगोज एडियाबेटिक एक्सपेंशन. एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रही है. वॉल्यूम ऑफ द गैस डबल्स फ्रॉम वी नॉट टू 2V0. देन वट हैपन्स टू द टेम्परेचर. तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास क्या है, V0. फाइनल वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. हम इनिशियल टेम्परेचर ले लेते हैं T0. फाइनल टेम्परेचर हम देख लेंगे, हमें निकालना है कि उन्होंने पूछा है ना कि टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. अब ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन है तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए रिलेशन क्या होता है, टी बी की पार गामा -1 इज कॉन्स्टेंट. हम ये इक्वेशन यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी इनिशियल बी इनिशियल की पावर गामा -1 इज टी फाइनल वी फाइनल की पावर गामा -1. तो यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हमने अपनी तरफ से टी नॉट लिया है, टी इनिशियल कितना है वी नॉट की पार गामा -1, टी फाइनल हम टी ले रहे हैं और ये 2V0 की पावर गामा -1, ठीक है. तो उन्होंने पूछा है टेम्परेचर को क्या होगा, हम रेशो निकाल लेते हैं टी ओवर टी नॉट की, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर ओवर इनिशियल टेम्परेचर. तो ये मिल गया वी नॉट ओवर 2V0 की पावर गामा -1. अब ये गामा निकालेंगे हम. मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारे पास सी वी की वैल्यू कितनी होती है, 3/2 R. तो सी पी कितना मिल जाएगा, 5/2 R, ठीक है. रिलेशन कौन सा लगाएंगे, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर. तो यहाँ से गामा की वैल्यू क्या मिली, 5/3. तो वहाँ इस रिलेशन में फिल कर देंगे, दैट इज 1/2. ये वी नॉट से वी नॉट कैंसल, 5/3 की पावर -1, ये 1/2 की पावर, ये कितना मिला, 2/3, ठीक है. तो यहाँ से हम देख लेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो क्या बन रहा है. इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 की पावर 2/3. इसको सॉल्व करके हम अपना रिजल्ट बता सकते हैं कि टेम्परेचर राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है. द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी एट 2897 केल्विन इज 1 माइक्रोमीटर. तो मैक्सिमम हमें वेवलेंथ की मैक्सिमम वो वैल्यू दी गई है जिसपे एनर्जी डेंसिटी क्या है मैक्सिमम होगी, दैट इज 1 माइक्रोमीटर. और टेम्परेचर दिया गया है 2897 केल्विन. इफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी हुज वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एमिशन इज, तो मैक्सिमम एमिशन हमें सेकेंड जो दी गई है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम. हमें इसके लिए क्या निकालना है, टेम्परेचर T2 की वैल्यू निकाल. तो हमें रिलेशन पता है लैम्डा मैक्स इंटू टी क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है. ये बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की स्टेटमेंट है. तो यहाँ से हम लिख लेते हैं लैम्डा मैक्स 1 T1 इक्वल टू लैम्डा मैक्स 2 T2. यहाँ पे वैल्यूज फिल कर देते हैं, 1 माइक्रोमीटर यानी कि 10^-6, टेम्परेचर कितना है 2897 केल्विन, वेवलेंथ सेकेंड कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम और टेम्परेचर हमसे पूछा गया है. तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे,
यहाँ से ये रिजल्ट बनता है 5794 केल्विन। ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल शेल इन द फेस स्पेस। अब फेस स्पेस में हमें स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम निकालना है, वो कितना आता है 4π p² dp। हम निकालते कैसे हैं वॉल्यूम फेस स्पेस में, यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ पोजीशन फेस इंटू वॉल्यूम ऑफ फेस स्पेस मोमेंटम स्पेस। क्योंकि फेस स्पेस में हमारे पास क्या होता है, पोजीशन भी होती है और मोमेंटम भी होता है उसके साथ डील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू तो पोजीशन स्पेस में वॉल्यूम वी हो जाएगा, मोमेंटम स्पेस में वॉल्यूम क्या आएगा 4π p² dp। तो ये ऐसे निकालते हैं, ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। एडिंग नेगेटिव फीडबैक, हमने नेगेटिव फीडबैक अप्लाई की एम्पलीफायर को, इट रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जब भी नेगेटिव फीडबैक हम ऐड करते हैं तो एक तो नॉइज कम हो जाती है, यानी कि डिस्टॉर्शन क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे देखो डिस्टॉर्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, डिस्टॉर्शन डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरी बात, इनपुट इम्पिडेंस क्या होता है, यहाँ पे इंक्रीज होता है, इनपुट इम्पिडेंस इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है, तो ये ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर मिलेगा। नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या होता है, आउटपुट इम्पीडेंस कम हो जाता है, इनपुट इम्पीडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और डिस्टॉर्शन मतलब नॉइज है वो भी कम हो जाती है, और गेन क्या होता है वो कम हो जाता है। सो ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द हाफ वेव रेक्टिफायर द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज अक्रॉस ए सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज दिस। हमें यहाँ पे पीक वैल्यू दी गई है वोल्टेज की, दैट इज 20√2। हमें हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं ये। इफ नो फिल्टर सर्किट इज यूज, मैक्सिमम डीसी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। हमें डीसी वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वी नॉट बाई पाई। तो हम इसमें वैल्यूज फिल कर देंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट मिलेगा, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। द डिवाइस दैट शोज नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस अमंग द फॉलोइंग। तो नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस जो है वो किसकी होती है, टनल डायोड की होती है, ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेगेटिव डिफरेंशियल रेजिस्टेंस, इसके लिए टनल डायोड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर मे बी शोन बाय द प्लॉट ऑफ। अब हमारे पास क्या होता है, ट्रांजिस्टर में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, अमीटर बेस कलेक्टर। अब ये कॉमन है यहाँ पे, अगर ये चीज कॉमन है तो इनपुट सर्किट किससे मिलेगा, ये हमारा इनपुट सर्किट बन गया अमीटर और बेस का, और आउटपुट सर्किट में क्या लगा है, कलेक्टर और बेस आ गया। तो अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करनी है तो यहाँ पे वोल्टेज क्या मिलेगी हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के केस में, दैट इज VCB के साथ डील करेंगे, और आउटपुट में करंट कौन सा फ्लो करेगा, IC, कलेक्टर करंट फ्लो करेगा, ये करंट हो गया आउटपुट और ये आउटपुट वोल्टेज हो गई, ठीक है। और कांस्टेंट वैल्यू किसकी आएगी यहाँ पे, अमीटर करंट की, जो इनपुट में करंट फ्लो करेगा उसको हम क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो ये इसका ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कॉमन अमीटर करंट गेन बीटा, इट इज रिलेटेड टू कॉमन बेस करंट गेन अल्फा बाय द रिलेशन। अब हमें ये रिलेशन तो पता है ना, अमीटर करंट किसके इक्वल होता है, बेस प्लस कलेक्टर। हम कलेक्टर करंट से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ये मिल गया। अब हमारे पास बीटा क्या होता है, कॉमन अमीटर करंट गेन है ये, तो बीटा क्या आ जाएगा, अमीटर कॉमन है तो IC/IB, ये बीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास। और अल्फा कॉमन बेस करंट गेन है, तो बेस कॉमन है इसमें, तो कलेक्टर करंट ओवर अमीटर करंट, ये हमारे पास रेशो आ गई। अब यहाँ पे देखो ये रेसिप्रोकल बन रहा है, IE/IC दैट इज 1/अल्फा, ये क्या आ जाएगा 1/बीटा इज इक्वल प्लस 1। अब हमें इससे को यूज करके रिलेशन निकालना है, 1/अल्फा-1 इट इज इक्वल टू 1/बीटा। यहाँ से क्या मिला, 1 - α/α इज इक्वल टू 1/बीटा, और यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, अल्फा ओवर 1 - α।
ऑप्शन बी मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट रमन इफेक्ट, लेट एच कट ओमेगा बी द इंसिडेंट एनर्जी। तो एनर्जी एच कट ओमेगा जो है एक्सचेंज होगी मॉलिक्यूल के साथ, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा आंसर नहीं आएगा। फ्रिक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, हम ऐसे ही फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। रमन स्कैटरिंग अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट इंड्यूस होती है, उसी की वजह से जो है रमन इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होता है। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वांटम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड इलास्टिकली, ऐसा नहीं होता, इलास्टिकली स्कैटरिंग नहीं होती, यहाँ पे इन इलास्टिक स्कैटरिंग होती है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर हियर। कंसीडर द स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द बोहर थ्योरी, डिटर्मिन द अपर लिमिट ऑफ ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट सीरीज के लिए अपर लिमिट निकालनी है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1/λ, इट इज आर इन्फिनिटी, 1/(n1)² प्लस माइनस 1/(n2)। अब ब्रैकेट सीरीज है यहाँ पे हमारे पास, सीरीज कौन कौन सी होती है, एक लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, फिर ब्रैकेट सीरीज, देन पी फंड सीरीज। अब लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन जो होगी वो 1 पे एंड होगी, डिपेंड करता है स्पेक्ट्रम कौन सा है, अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है या एमिशन स्पेक्ट्रा है, तो ट्रांजिशन 1 से एंड हो सकती है या फिर 1 से स्टार्ट होगी। ये n इक्वल टू 2 के लिए, ये n इक्वल टू 3 और ये n इक्वल टू 4। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास n1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 1/4² माइनस n। अब उन्होंने अपर लिमिट पूछी है, अपर लिमिट कौन सी हो सकती है, ये n2 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन, तो अपर लिमिट कौन सी जा रही है, इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू। तो यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1/16 माइनस 1/∞, ये तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम वेवलेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे 16/r∞। आर इन्फिनिटी ये क्या है, लुडविग कांस्टेंट हमें गिवन है, ये हम फिल कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पता चल जाएगी। द स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट, अटोमिक बीम हुज एंगुलर मोमेंटम स्टेट इज टू बी डिटरमाइंड मस्ट ट्रेवल थ्रू। स्टर्न गार्लिक एक्सपेरिमेंट में हमारी जो एटम अटोमिक बीम है वो किसके थ्रू पास होती है, होमोजीनियस रेडियो फ्रिक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड, गलत है ये, होमोजीनियस स्टैटिक फील्ड भी नहीं होती, होमोजीनियस तो फील्ड ही नहीं अप्लाई करते, इन होमोजीनियस स्टैटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ऑप्शन सी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द डिवाइस थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, वेयर इज द लॉ ऑफ ड्यूलिंग पेटिट लॉ वैलिड। अब डिवाइस थ्योरी हमें क्या कहती है कि हाई टेम्परेचर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है सॉलिड्स की वो क्या हो रहेगी, PRT, मतलब कांस्टेंट रहती है हाई टेम्परेचर के लिए, और लो टेम्परेचर के लिए इन्हें स्पेसिफिक हीट की जो वेरिएशन बताई थी वो कैसी थी, टी की क्यूब के साथ, डिवाइस थ्योरी ने। और ड्यूलिंग्स पैटर्न लॉ था, इसने क्या एक्सप्लेन किया था कि चाहे हाई टेम्परेचर हो या लो टेम्परेचर हो, स्पेसिफिक हीट क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, कितनी रहेगी, 3R रहेगी, अगर 3D की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइस थ्योरी के अकॉर्डिंग बताना है कि ड्यूलिंग लॉ जो है वो कहाँ पे वैलिड है, तो वो कहाँ पे वैलिड है, सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ही वैलिड है, क्योंकि लो टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वेरिएशन क्या है, टी क्यूब के साथ है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। A wide range of wavelengths, for example, from 0.2 to 2 angstrom for X-ray is used in. तो ये जो range है हम X-rays की कहाँ पे किस method में use करते हैं, option A that is the correct answer. The Hall effect in the solid state physics is used to determine. अब जो Hall effect होता है वो हमें क्या help करता है, यहाँ पे हम Hall coefficient निकालते हैं, उसकी value क्या आती है हमारे पास, 1/NE. एन क्या है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी, और ई क्या होता है, चार्ज, ठीक है। तो रेशियो ऑफ चार्ज टू मास तो हेल्प नहीं करता, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी नहीं,
साइन ऑफ चार्ज कैरियर्स, ये हमें हॉल इफेक्ट से पता चल जाता है कि अगर तो एन टाइप होगा तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, अगर पी टाइप होगा ठीक है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो हम हॉल इफेक्ट से मेयर कर सकते। द क्रिस्टोग्राफिक नोटेशन दिस रिप्रेजेंट्स, अब ये जो एंगुलर ब्रैकेट होती है ना, ये हमें क्या बताती है कि फैमिली ऑफ प्लेन्स की डायरेक्शन कैसी है, इक्विवेलेंट डायरेक्शन, फैमिली ऑफ इक्विवेलेंट डायरेक्शन। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। इन द क्रिस्टल सिस्टम ऑल द थ्री लैटिस वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट अनइक्वल। तो ये जो लैटिस वैक्टर हम ए बी सी से डिनोट करते हैं ठीक है, ये क्या है, तीनों अनइक्वल है। तो ये सिचुएशन हमारे किस सिस्टम में होती है, ऑर्थोरोम्बिक, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। द थ्री नेचुरल रेडिएशन इन ऑर्डर फ्रॉम मोस्ट पेनिट्रेटिंग टू लीस्ट पेनिट्रेशन, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है गामा रेडिएशन की, फिर आती है बीटा की, फिर आती है अल्फा की। तो ये ऑर्डर ऐसे होता है, ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फॉर फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। अब हमारे पास क्या होती है, फोर तरह की फंडामेंटल फोर्सेज है, एक तो स्ट्रांग हो गई, एक वीक हो गई, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गई और एक होती है ग्रेविटेशनल। तो सबसे स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की होती है, उसको वन लेके चलते हैं ठीक है। और ई एम की कितनी होती है, 10^-3 ऑर्डर की स्ट्रेंथ होती है, वीक की इससे कम हो जाएगी 10^-13, ग्रेविटेशन की स्ट्रेंथ सबसे कम होती है 10^-13 ऑर्डर। तो हमें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में बताना है, तो सबसे कम स्ट्रेंथ तो ग्रेविटेशन की है ठीक है, फिर आएगी वीक, फिर आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर आएगी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग को न्यूक्लियर भी बोला जाता है, ऑप्शन ए जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। व्हाट वाज अचीव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ डब्ल्यू जेड इंटरमीडिएट वैक्टर बोसोन्स। तो जब डब्ल्यू जेड इंटरमीडिएट वैक्टर बोसोन्स की डिस्कवरी हुई तो क्या अचीव हुआ था, द इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन वॉज वेरीफाइड। यहाँ पे दो थ्योरीज, दो फोर्सेस को क्या किया गया था, यूनिफाइड किया गया था, कंबाइन किया गया था, एक इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन यहाँ पे की थी, यानी कि वीक फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल प्रोटोन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस न्यूक्लियाइड, तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं प्रोटोन कितने हैं हमारे पास, दैट इज 13। अब हम यहाँ पे फिल कर देते हैं लेवल्स में, थर्टीन प्रोटॉन्स को फिल करना है, यहाँ पे आएंगे टू, यहाँ पे आएंगे फोर, यहाँ पे आएंगे टू, कितने हो गए ये, एट हो गए, 8+5 13 हो गए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, मैच कर लेते हैं। यहाँ पे वन आएगा, 1p 3/2, 1p½ और ये 1d 5/2, तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी हमें शेल मॉडल के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव कायोन हैज अ रेस्ट मास वेयर एज अ प्रोटोन हैज अ रेस्ट मास, इफ द कायोन हैज टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स रेस्ट मास एनर्जी। अब कायोन की टोटल एनर्जी ई के ले लेते हैं और इसकी रेस्ट मास एनर्जी हम ई पी ले लेते हैं, तो रेस्ट मास एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, एम पी सी स्क्वायर, और टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, गामा एम के सी स्क्वायर। तो ये रिलेशन गिवन है हमें, हमें पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ कायोन, स्पीड हमें कायोन की निकालनी है, तो वो लिख लेते हैं एम के सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू फिल कर दी 1-v² / c², दिस इज एम पी सी स्क्वायर ठीक है। तो ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला, एम के ओवर अंडर रूट 1-v² / c² इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटोन। अब ये के क्या है, कायोन की एनर्जी ली है ना, ये के पॉजिटिव, इसका मास कितना गिवन है, 494 1/v² / c², मास ऑफ प्रोटोन 938 mev। अब इसको कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेंगे,
दोनों साइड्स कैरिंग कर दी, 494 बाय 938 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, तो यहाँ से वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमारे पास। बस हमें इस जस्ट सारी कैलकुलेशन ही करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिलेगा, दैट इज ऑप्शन डी, 0.85c। नेक्स्ट, इफ द फंक्शन इज सिमेट्रिक, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एक्स, दैट इज दिस वन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो फोरियर सीरीज क्या होगी फॉर्म। अब देखो सिमेट्रिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी कि ये क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन ही है, कि अगर हम एक्स को माइनस एक्स चेंज करें हमें सेम फंक्शन मिल रहा है, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन के लिए हमारी जो बी एन की वैल्यू होती है ना वो जीरो होती है। तो फोरियर सीरीज में हमारे पास क्या होगा, एक तो ए नॉट मिलेगा, एक मिलेगा हमारे पास ए एन वाली टर्म मिलेगी। तो ऑप्शन बी मिलेगा हमें, बी एन तो मिलना ही नहीं है, साइन वाली टर्म तो आएगी ही नहीं इवन फंक्शन में, तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। द वैल्यू ऑफ इंटेग्रल वेयर द कंटूर इज द यूनिट सर्कल। अब पहले इस कंटूर को ड्रॉ कर लेते हैं, जेड माइनस टू मॉड इक्वल टू वन, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ कंटूर, ठीक है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कंटूर। अब ये यूनिट सर्कल है तो देखो यहाँ पे ये रीजन ले लिया, सेंटर क्या है यहाँ पे टू है, वन ले लेते हैं, यहाँ पे टू ले लेते हैं, यहाँ पे थ्री ले लेते, सेंटर ये आ गया, रेडियस कितना है वन, वन रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस तरफ और वन इस तरफ, तो ये कंटूर कुछ ऐसा मिलेगा हमें, ठीक है, तो ये कंटूर मिल गया हमें। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की पार एक्स साइन जेड ओवर जेड स्क्वायर डी जेड। यहाँ से सिंगुलर पॉइंट्स देखो कैसे आएंगे, जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो कर दिया, यहाँ से जेड इक्वल टू जीरो हमारे पास क्या मिल रहा है, सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, सिंगुलर पॉइंट। अब देखते हैं ये पॉइंट लाई कर रहा है कंटूर के अंदर, जीरो तो यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है या पोल है ये तो बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि हमने ये जो कंटूर बनाया, अगर तो ये पॉइंट इसमें लाई करता तब हम इसको सॉल्व करते, ठीक है, बट ये जो पॉइंट है सिंगुलर पॉइंट वो तो कंटूर के बाहर लाई कर रहा है, तो यानी कि इसका रिजल्ट क्या मिला हमें, जीरो। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिमेट्रिक टेंसर ए आई जे विद इंडिसेस दिस। अब हमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स निकालने हैं, किसके केस में निकालने हैं, सिमेट्रिक टेंसर के केस में निकालने हैं, तो उसका रिलेशन हमारे पास क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाय यहाँ पे एन क्या है, कितने ऑर्डर का ये हमारे पास टेंसर बनेगा, देखो तीन वैल्यूज है ना आई और जे की, तो थ्री डायमेंशन बन रही है यहाँ पे, आई की और जे की तीन वैल्यूज है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू थ्री फिल कर देंगे, कितने मिले कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट, सिक्स, ठीक है, कंपोनेंट्स बताने हैं, आई और जे की वैल्यू देखो तीन मिल रही है ना, तो यहाँ पे आई जे ही फिल करते हैं, ए वन वन, वन टू, वन थ्री, ऐसे मतलब टोटल नाइन कंपोनेंट्स होंगे, उनमें इंडिपेंडेंट कितने हैं हमारे, सिक्स आ रहे हैं। हमें ये एफ एक्स दिया गया है, देन द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म अगर हमें किसी फंक्शन की निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी ई की पार माइनस एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। अब इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, ये एक्स लेस देन थ्री का केस है, तो ये तो फंक्शन ही जीरो है, ये तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एक्स ग्रेटर देन थ्री है ना ये, तो ये थ्री से इन्फिनिटी तक जाएगी लिमिट, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, e की पार माइनस एस एक्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x माइनस थ्री डी एक्स। अब बस इस इंटीग्रेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ये x e की पार माइनस एस एक्स डी एक्स
माइनस थ्री बाहर आ गया, थ्री से इन्फिनिटी। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या मिलेगा? अब लिमिट्स फिल कर देते हैं, -1 बाय एस बाहर ले लिया, ये मिला 3, इन्फिनिटी वाली टर्म तो खत्म हो गई, -3 e की पावर माइनस इन्फिनिटी। पे 3s आएगा। e की पावर माइनस इनफिनिटी क्या होता है? जीरो। ये टर्म गई, ये भी गई, ठीक है, ये तो बन ही रहा है इनफिनिटी, तो ये मिला क्या, 3s e की पावर माइनस 3s प्लस 1s² e की पावर माइनस 3s माइनस 3s e की पावर माइनस 3s, ये टर्म कैंसिल हो गई, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 1s² माइन e की पावर माइनस 3। वो ये मिल रहा है s की पावर माइनस 2 e की पावर माइनस 3s, ये डी ऑप्शन में। इफ एफ इज दिस डाइवर्जेंस, हमें डाइवर्जेंस निकालनी है। डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं? डेल डॉट एफ निकालना है हमें, तो डेल ऑपरेटर कैसे लिखते हैं हम? और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, इसके साथ एफ की वैल्यू फिल कर दी। अब इस एक्स को सॉल्व कर लेते हैं, आई डॉट आई 1 होता है, तो कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ दिस क्या मिलेगा, 1, यानी कि आई कैप प्लस जे डॉट जे, ये वाली टर्म लेंगे हम। एक सेकेंड, यहाँ पे स्केलर मिलेगा ना, तो ये आई डॉट ए आई डॉट आई वाली टर्म हम यहाँ पे लेंगे, एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई ऑफ वाई प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड ऑफ जेड, जेड डॉट जेड 1, तो ये 1 + 1 + 1 भी मिल रहा है। डाइवर्जेंस लेते हैं, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ही मिलेगा हमें, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, अब पहले इसमें पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कर लेते हैं, एस स्क्वायर यहां से मिल रहा है, एस वाला कंपोनेंट भी सेपरेट कर लेते हैं, एक तो यहां से मिलेगा ए और ये मिला बी, और एक बचा यहाँ पे बी, इक्वेशन मिली, बी की वैल्यू 1 मिल गई, ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल, तो ए माइनस बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू क्या मिल रही है, -1। इसी तरह से ये थर्ड एस स्क्वायर का कोफिशियंट भी नहीं है ना यहाँ पे, तो ए प्लस सी इज 0, ए की वैल्यू -1, तो सी की वैल्यू क्या मिल रही है, 1 मिल, तो हम इसको लिख लेते हैं, ए की वैल्यू -1 है, 1s, बी की वैल्यू 1, 1s², सी की वैल्यू 1, 1/s+। अब हम इसका क्या लेंगे, लैपलेस। अब लैपलेस इनवर्स ऑफ 1s किसका होता है, 1 का, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी, कि लैपलेस ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, हमारे पास एन फैक्टोरियल ओवर एस की पावर एन प्लस 1, हमें एस स्क्वायर चाहिए, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी, और ये 1/s+1 किसका होता है, हमारे पास ई की पावर माइनस टी।
ऑप्शन सी मिल रहा है। पार्टिकल ऑफ मास एम इन 1D, इट मूव्स इन द पोटेंशियल वेयर ए बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। एंगुलर फ्रिक्वेंसी निकालनी है हमें अबाउट द मिनिमा। तो पहले हम मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करें तो माइनस टू ए एक्स प्लस फोर बी एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लिया, माइनस टू ए प्लस फोर बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और दूसरी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, टू ए अपॉन फोर। यानी कि एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए अपॉन बी के इक्वल आ रहा है। अब मिनिमा चेक करना है, मिनिमा कहाँ पे मिल रहा है, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ये सिंगल डेरिवेटिव था, इसका डेरिवेटिव किया माइनस टू ए प्लस सिक्स प्लस ट्वेल्व बी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब एक्स जीरो फिल करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या मिल रहा है, दैट इज माइनस टू ए यानी कि लेस देन जीरो। तो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है, दैट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अब हम एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बाई टू बी की बात कर लेते हैं। तो चाहे प्लस फिल करो चाहे माइनस, क्योंकि यहाँ पे तो है एक्स स्क्वायर ही, तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, माइनस टू ए प्लस ट्वेल्व बी ए अपॉन टू बी, ये बी से बी कैंसल और ये सिक्स, तो ये मिल रहा है फोर ए यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है हमारा एक्स इक्वल टू अंडर रूट ए बाई टू बी, ये पॉइंट हमारा क्या है, मिनिमा का। अब उन्होंने एंगुलर फ्रिक्वेंसी अबाउट मिनिमा पूछी है, तो इस पॉइंट पे हम मिनिमा पे हम क्या निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालेंगे। क्या रिलेशन होता है हमारे पास, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एम। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी आ रही है, फोर ए, वो फिल कर देते हैं बाय एम स्क्वायर रूट और ये मिल गया टू अंडर रूट ए बाई एम। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टेट्स दैट, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स है वो सेम रहते हैं सब इनर्शियल फ्रेम्स में। ठीक है, सभी फ्रेम में जो लॉज ऑफ फिजिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है वो चेंज नहीं होती। इफ द मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सस्पेंडेड ऑन ए स्प्रिंग इट इज डिस्प्लेस्ड, द सिस्टम ऑसिलेट्स विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्या, एक स्प्रिंग के साथ हमने मास अटैच किया है, फिर इसको डिस्प्लेस किया है, तो जब डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, SHM करेगा। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी। पोटेंशियल एनर्जी हैज़ ए मिनिमम वैल्यू व्हेन द स्प्रिंग इज फुली कंप्रेस्ड और फुली एक्सटेंड, तो ये जो है ऑप्शन दैट इज अ करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन 1D इज गिवन बाय दिस, डिटरमिन द फोर्स। तो फोर्स का रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, माइनस डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, ये मिल गया के एक्स प्लस बी एक्स क्यूब, तो यानी कि माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स क्यूब, ये हमारे पास फोर्स आ गई। चलिए, द मैग्नेट, वट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर दैट कैरीज ए करंट। अब एक सर्कुलर रिंग है उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके सेंटर पे हमने क्या निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल। ठीक है, अब हमें रिंग की वजह से यहाँ आप कोई पी पॉइंट है जो जेड डिस्टेंस पे है सेंटर पे, वहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका रिलेशन पता है हमें, म्यू नॉट ऑफ आई बाई टू आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर की पावर थ्री बाई टू। ये कहाँ पे निकाला है, यहाँ इस पॉइंट पे। अब हमें सेंटर पे पूछा है, यानी कि ये सेंटर पे क्या है, जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली, म्यू नॉट आई बाई टू आर स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर की पावर ये टू से टू कैंसल, नीचे हमारे पास क्या बचा आर क्यूब और ऊपर क्या है आर स्क्वायर, तो ये भी कैंसल हो गया। तो वैल्यू कितनी मिली, म्यू नॉट आई बाई टू आर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।